हाँ जी, आज हम आपको दिखाते हैं इंडोनेशिया के घर कैसे होते हैं। घर इनके छोटे होते हैं, कमरे भी छोटे होते हैं, ज़्यादातर इनके घरों में एक बाथरूम होता है, यानी कि रूम के साथ बाथरूम है। तो ये देखें, फ्रंट पे काफ़ी जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। आप गाड़ी खड़े करें, बाइक करें, या चाहें तो इधर कमरा भी निकाल सकते हैं। और काफ़ी बारिश होती है मेरे बैंका आइलैंड में, तो वो फिर सिस्टम होता है नालियों का। तो ये छोटा सा गेस्ट रूम में अगर कोई गैस वगैरह आ जाए, जैसे डेम रूम होता है, तो वो आके इधर बैठ सकता है। और ये देखें, अक्सर गैरेज है, और ये घरों में छोटी मोटी क्यारी या गैरेज बोलें, जो जो चाहे बना सकते हैं। ये छोटा सा, और ये आप देखें कि मैं जैसे ही आगे जाऊंगा, तो ये छोटा सा टीवी लॉन्च बोलें या जो भी बोलें आप, किचन बनाने, क्योंकि किचन इस रूम घर पे बना हुआ नहीं। ये छोटा सा एक रूम है। इंडोनेशिया के ऐसे घर होते हैं, कमर मंडी यानी कि वॉशरूम साथ नहीं होते इनके घरों में। और ये एक और रूम है। तो ये दो रूम है, और छोटा सा टीवी लॉन्च और एक गैस रूम है, और पीछे भी और फ्रंट में दोनों जगह काफ़ी गैरेज की जगह भी छोड़ी हुई है और गैरेज की जगह भी छोड़ी हुई है। देखते हैं, ये दो रूम है छोटे छोटे। और ये देखें, ये इनका वॉशरूम है। सही है, मोटर जो है बोर हुआ हुआ है। ये इन्होंने किचन बाहर की जगह दे दी है, किचन नहीं बनाया, तो आप खुद किचन बना लें यहाँ पर, टाइल्स वगैरह लगा के और लेंटर वगैरह डलवा के जो भी है अपना किचन बैक साइड पर बना लें। ये इंडोनेशिया के घर हैं, आपको जो दिख रहा है बैक साइड पे भी काफ़ी जगह छोड़ी हुई है, फ्रंट पे भी छोड़ी हुई है। तो ये इंडोनेशियन के घर का स्टाइल होता है, काफ़ी इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। तो यहाँ से अब इंटरेस्ट हम लेते हैं बैक साइड से, लेकिन ये सारे घर एक जैसे इन्होंने बर्तन धोने की या जो भी किचन टाइप बैक साइड पर दे दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं। ये इंडोनेशिया के ज़्यादातर जो किस्तों के घर होते हैं, तो ये किस्तों के घर में ऐसे ही होते हैं, इनके छोटे घर होते हैं इनके। और ये एक और गैलरी दी हुई है, और मोटर लगी हुई है, यानी कि पानी का सिस्टम है और बोरिंग का सिस्टम है। तो इंडोनेशिया में ऐसे ही घर होते हैं ज़्यादातर। तो ये किस्तों का घर है, साल की किस्तें होती हैं, तो इस तरह का कोई निज़ाम होता है, सिस्टम होता है। और ये देखें, गैलरी है और साथ में घर जुड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, और ये नया घर है और ये क्रिएट हो रहा है। और पानी की देखें, बारिश काफ़ी होती है, तो नालियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो ये घर है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत जो है उसका स्ट्रक्चर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।